मुन्नी, मैंने तुम्हें स्कूल जाते हुए देखा था। अभी पता चला कि ये सफर इतना मजेदार है। अभी अभी तू बोला था मजेदार सफर, और लो कीचड़ भी साथ आ गए। बाप रे, अरे अब हम क्या करेंगे? नन्नी, तू इधर आ। इस समय पर गिलहरी का मजाक तो देख। नन्नी, वहाँ एक तालाब है, चलो हम उस तालाब में कीचड़ साफ करते हैं। हाँ ठीक है। मुन्नी, क्या तालाब के पानी बहुत ठंडा है? हाँ बहुत ठंडा है। नन्नी, गिरना मत, गलती से गिर गए तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। अरे वाह मछलियाँ, क्या तुमने मछलियों को तैरते हुए देखा है? हाँ, इस तालाब में ढेर सारी मछलियाँ हैं, लेकिन गर्मी में तालाब सूख जाएगा, मछलियाँ मर जाएंगी, इधर उधर भड़कती सारे से मुने खा जाएंगी। उसके बाद पेट भर के खाएंगे। बेचारे मछलियाँ। एक गर्मी के मौसम में यह तालाब सूखने लगा, तब सारी मछलियां चीखने चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। उस समय वहां एक सारस मामा पहुंचा। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। इस तालाब में खूब सारी मछलियां हैं। अब मुझे कुछ दिनों के लिए खाना मिला। सारस मामा मछलियों से कहा, दोस्तों डरो मत, वहां कुछ दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है, वह तालाब कभी सूखता नहीं। सच में? लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचाऊंगा, लेकिन हर दिन कुछ मछलियों को ही ले जा पाऊंगा, ठीक है? मछलियों ने सारस मामा के बातों पर भरोसा कर ली। हर रोज सारस मामा मछलियों को दूर लेकर जाते थे। एक पत्थर पर लेके मसे से उन्हें खा जाते थे। तालाब के तट पर रहने वाले एक केकड़े को सारस मामा का ये चाल पता चला।
केकड़े ने तालाब के अपने मित्रों से कहा, मित्रों वो सारस तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हें तालाब में नहीं बल्कि रास्ते में खाने के लिए ले जा रहा है। बाप रे, अब हम क्या करेंगे? फिकर मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसे कहकर केकड़े ने मछलियों को राहत दी। अगले दिन जब सारस मामा पहुंचा, केकड़े ने सारस मामा को बताया, सारस मामा आप मुझे भी बचा लो, पास के तालाब में पहुंच जाइए। क्यों नहीं, इसमें क्या है, तू मेरे कंधे पर बैठ जाओ। इस प्रकार मछलियों को मुंह में लेकर केकड़े को कंधे पर बिठाकर सारस मामा चट्टान की ओर चल पड़ा। चट्टान पर आकर सारस मामा मछलियों को एक एक करके खाने लगे। उस समय केकड़े ने सारस मामा के कंधे को दबाया। दर्द के मारे सारस मामा जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, मुझे कुछ मत करो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद सारस मामा कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं किया।